खा के एक वर्ड निकलता है आंटी का गुड़ पीठा something something एक ही वर्ड निकलता है मुंह से लेकिन ये आदत छूटेगा कब पता नहीं। कल मेरा रात को क्या हुआ देखो। Your heart is my violin, watching when you sleep is comforting, don't wanna wake up. Hello friends, welcome back to the channel and good morning. 12:05 ऐसा बज रहा है तो गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हो। लॉजिकली अभी देखा जाए ना तो बाहर का वेदर या आसपास के वेदर देख के तो लगता है हाँ तो अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको निष्ठावरत मॉर्निंग मॉर्निंग जैसा ही है। तो अभी स्वीटी को तेल लगा रही हूँ, भूल गई थी मैंने। उसके बाद मुझे याद आया अरे स्वीटी को तो शैम्पू करना है तो एक्चुअली याद रखना। ये एक्चुअली तेल मैं ना पौंडीचेरी से लेके आई हूँ ऑरोविल से। वहाँ पे छोटे छोटे शॉप रहते हैं तो अभी आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कैसा है देखती हूँ। ब्राह्मी हेयर ऑयल तो वही ऑयल 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 बाबा सुबह सुबह फंबल होता है तो तेल मालिश मालिश चल रहा है वही वही सेक्शन सेक्शन करके करती हूँ लेकिन काफी टाइम लगता है इसीलिए। अब मस्त नींद आ रही है। क्या बोल रहे देखो अब मस्त नींद आ रही है सो जाओ फिर से 12 बजे दोपहर का 12 बजे सो जाओ। हाँ ठीक ही बोला ना आफ्टरनून को सो जाओ सोच लेना दोपहर का नींद आ रही। हाँ तेल मालिश करने से नींद आता है। धोड़े पड़े जाए ना पूरे बिछाने एकदम हो जाए। क्या बुद्धि इसका बुद्धि ना एकदम असान बुद्धि दे हमको दे धोड़ो तक तो बच्चा ना। देखो ये अगर गिर जाए ऐसा करके तो क्या हालत होगा सोचो। बाय 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 क्या बाय बाय मॉर्निंग में बाय कर रही। चलो अभी मिलेंगे कल कारे के इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सुबह सुबह देखो ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ उसका बाय शुरू हो गया। उसको बाय करने में बहुत मजा आता है पता नहीं क्यों। सिंपल सा खिचड़ी बनाऊंगी उसके लिए मसूर दाल या मूंग दाल बोलने जा रही थी और ये मूंग दाल मूंग दाल थोड़ा ज्यादा देते हैं। सिंपल सा खिचड़ी बना के ये ऐसे ही नहीं बनेगा रुको। और ये चावल ये अम्बे मोहन चावल है ये अम्बे मोहर हाँ सॉरी अम्बे मोहर बोलते हैं। ये इस टाइप का गोविंद भोग जैसे खुशबू आता है। चलो मैं ऐसे खाना बना रही हूँ ड्राई ड्राई देखो ऐसा बन गया ना। मैं मूंग दाल से भी बनाता हूँ कभी कभी मसूर दाल देने में अच्छा मूंगी बहुत टेस्टी लगता है इसके। मूंगी बहुत इसको धो लूं पहले और इसमें हल्दी पानी दिया है जैसा आपके अंदाजा से। ये आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ पता नहीं ये बहुत बड़ा सिंपल सा रेसिपी है फिर भी मैं जो बनाती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। सॉल्ट दे दिया सच्चाई ब्लॉग क्योंकि ये सबको ही पता है सब पूछेंगे मैत्री तुम ये रेसिपी दिखा रही हो। ये जो खिचड़ी है ना ये क्यों दिखा रही हूँ मुझे भी नहीं पता रियली सबको ही पता है ये बहुत सिंपल था लेकिन मुझे शादी से पहले नहीं पता था क्योंकि बंगाली खिचड़ी ना थोड़ा अलग होता है मसाले वाले होते हैं। तो ये एक्चुअली स्वीटी का डॉक्टर ने बोला था उसको खिचड़ी खिलाया मैं बोला रोज रोज इतना छोटी बच्ची को मतलब जस्ट 5 मंथ्स के बाद 5-6 महीने के बाद जब खाना मतलब फूड देना होता है रोज रोज बच्चों को वो मतलब मसाले वाला खिचड़ी दूंगी तो पेट खराब हो जाएगा ना क्योंकि वो खिचड़ी पूरा हैवी होता है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं वो दाल चावल और जीरा और सूखी मिर्च छोंक डाल के जो होता है ना सिंपल वाला वो देना। तो उसके बाद मुझे ये खिचड़ी स्वीटी का बचपन का याद दिलाता है। स्पेशली मैं सैटरडे कभी कभी बनाती हूँ स्वीटी को अभी उतना पसंद नहीं है लेकिन खा लेती है लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है बहुत क्योंकि मैं कभी कभार बोलते ना कभी कभार लगता है आज एकदम वैसा वाला वो घी वाला खुशबू वाला खिचड़ी खाने का मन करता है बस आप तो ना आज टिफिन लेके नहीं गए कुछ मीटिंग है तो इसीलिए वो अलग बात है उसका अलग ही बात है। तो अभी मैं इसमें सिर्फ घी और सूखी मिर्च छोंक देते
इजी हो जाता है ना, मैं ट्राई कर रही थी अगर इसके अंदर चला गया तो अच्छा हुआ। इसमें नॉर्मली मूंग दाल डाला जाता है तो मैं कभी कभार मसूर दाल भी डालती हूँ, अच्छा लगता है खाने में। सुबह सुबह पनीर भी बना लिया, दूध था एक्स्ट्रा। बाबा दूध गर्म करना भी हो गया और सुबह में दो बॉटल पानी बॉयल किया क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं बॉयल पानी पी रही हूँ, बीच में छोड़ दिया था, फिर से मैं कल या ना कल से मैं फिर से बॉयल कर रही हूँ। सूखी मिर्च और जीरा थोड़ा सा, आज एक्चुअली स्टेटस धोते हैं सीधे एक बाल्टी पानी देना पड़ता है सैटरडे, हर सैटरडे ऊपर से नीचे तक सारे जो सीढ़िया है क्योंकि सारा गंदा हो जाता है ना वो धोना होता है क्योंकि वो बाल्टी लेके आना ना आप जाती हो, इसीलिए थोड़ा कम पानी लेकिन थोड़ा तो देना पड़ेगा ना। मैं खिचड़ी खा रही हूँ और स्वीटी कल का सैंडविच खा रही है, गर्म कर रही है उसको, उसको सैंडविच खाना था, बोले आज खिचड़ी विचड़ी नहीं खाना है, देखो उसको खिचड़ी पसंद नहीं है, इच्छा नहीं है, सैंडविच खाने का मन कर रहा है लंच में। अभी ना मैं धूप में धूप सेक रहे हैं, धूप में ही धूप सेकेंगे ऑब्वियसली, चांद पे तो धूप नहीं सेकते। मैं मुँह से निकल जाता क्या करें, ये पीछे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, 4 बज रहे हैं तो खाना खाने के बाद ठंडी लग रही थी, घर बहुत ठंडा है तो सोचा चलो धूप थोड़ा सा धूप सेक ले, पीछे बहुत दिन नहीं आई, आने के बाद ये पहली बार। किसान आवाज अच्छा, देखो स्वीटी पतंग उड़ा रही है, उसका पतंग अभी तक फटा नहीं, जब तक नहीं फटेगा ना तब तक वो पतंग उड़ता ही जाएगा, इजी नहीं है पतंग उड़ाना बेचारा बॉल भी कहाँ गया। देखो सांतन ऑफिस से आके भी बैठ बैठ के क्या कर रहा, अच्छा फूल लाने के लिए बोला था, ये वाला फूल मिला है, वाह ये पिंक वाला फूल ना मुझे बहुत अच्छा। निकलो गाड़ी से, गाड़ी का अंदर ठंडा है, रियली गाड़ी का अंदर ठंडा एसी चल रहा था, मैं धूप में सेक रही थी ना, धूप में सकते सकते सर गर्म हो गया। अभी देखो सांतु ने भी आ गए और स्वीटी गार्डन में खेलने चली गई, माथा गर्म हो गया एकदम, तो आराम लग चलो, हाँ आराम लग रहा था एकदम, चलो चलो और थोड़ी बैठने। एक वर्ड निकलता है कभी पूछता नहीं है, तुम कैसे हो, पूरा दिन तुम्हारा कैसा गया है, कहाँ पूछा, मैं पूछती हूँ बाद में पूछती हूँ क्या क्या किया, कभी नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता, बहुत बार कभी ऑफिस से आके बोलता ना तुम्हारा दिन कैसा गया क्या किया तबीयत कैसा है, कभी नहीं पूछता, पहले बोलता हाँ वो है हट्टा घट्टा है, लेकिन पूछना चाहिए ना, पहले ही बोलेगा चाय बना, एक ही वर्ड निकलता है मुझसे, पता नहीं ये मतलब एक ही बार चाय पीता है सुबह में तो निकल चाहे, लेकिन ये आदत छूटेगा कब पता नहीं। गुलाब देख रहा कितना ये खुशबू वाला गुलाब होता है, और इसका देखो खासियत देखो, अभी देखा मैंने वो नीचे देख रहा है एकदम जमीन पर दो गिरा है, मतलब खिला है वहाँ पे सांतर वाला गिरा है, मैं बोल देखा वहाँ पे कली भी है देखो एकदम नीचे, ये बहुत बड़ा था अभी छोटा हो गया। और सौंफ या मोरी को अभी क्रश करना है, मोरी थोड़ा ज्यादा करके, और इसके साथ मटर को देके अभी पीसना है, और ये कच्चा मटर को पीसना है,
भिंडा का अच्छी टेस्टी वाला मटर, बॉईल नहीं करना। मस्टर्ड ऑयल पे हींग थोड़ा सा, और जो मसाला है मटर का मसाला ही बोल सकते हैं, अंदाजा से सॉल्ट और शुगर, और इसको काफी देर तक अभी भूनना है। और ये जो है ना, ये इस तरह से एकदम ड्राई ड्राई, मतलब आपका जो पैन है या कढ़ाई है उसमें चिपकेगा नहीं एकदम भी, स्टिकी जैसा राउंड बॉल हो जाएगा। हाँ ना, ওটা অনেক দেশে ওটার উপর রিসার্চ চলছে, তো তো মাকে ওইগুলো করাবেন, তো মা তো শুধু বসে থাকবেন, সকাল থেকে 10 মিনিট করাবেন তো কাল থেকে। আর হ্যাঁ, আজ কি বন রে ওই তো বতানা ভুল গই, ইয়ে হ্যাঁ দেখাও পহলে মা ব্যাট ব্যাট কি কর লিয়া, ইয়ে ইয়ে হ্যাঁ ইয়ে বন রে। আর সবকো পতা চল গয়া হোগা অবভিয়াসলি, ইয়ে বহুত সিম্পল সা এক চিজ হ্যায়। और मैंने यहाँ पे आलू और पनीर की एक सब्जी बनाई, ये इस टाइप का है, टमाटर डाल के बनारस में जैसे सब्जी बनता है ना वैसे। यार मैं आज जो बना रही हूँ वो है मटर की कचौड़ी, कोलाई छोटी कचौड़ी बोलते हैं बंगाली में, लेकिन इसमें हर एक रीजन का मसाला अलग होता है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। सिर्फ अदरक, हरी मिर्च अपनी तीखा के अंदाजे से, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो सिर्फ आटे के साथ बना सकते हो, लेकिन मैं साल में एक ही बार खाती हूँ, पिछले बार नहीं बनाया था, पहले बता देती हूँ। इस साल में एक ही बार बन रहा है और इसके बाद भी नहीं बनेगा शायद, क्योंकि है अभी तो पूरी ना, तो इसीलिए मैदे में बना रही हूँ। नॉर्मली ये मैदे के साथ बनता है जो कचौड़ी होता है ना, आटा में भी अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मैदा अनहेल्दी है, पहले बता देती हूँ, डिस्क्लेमर। लेकिन चलो बना लेते खा लेते। मैदे में जैसा नॉर्मल सॉल्ट थोड़ा सा शुगर डालती हूँ, क्योंकि बोलता है अच्छा होता है, थोड़ा वो क्रिस्पी होता है। और शुगर पाउडर, मतलब शुगर को थोड़ा कूट के ना, थोड़ा सा जस्ट एक चम्मच जैसा सॉल्ट अपने अंदाजा से, और तेल थोड़ा सा मयान के लिए, मयानी तो बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मयानी तो बोलते हैं शायद, नॉर्मल जैसा गूंदना है उसको। लेकिन 10 मिनट अगर मैदे को इस तरह से रखेंगे ना बहुत अच्छा होता है, कचौड़ी का स्टफिंग बनता है उस तरह से, ये सबको ही पता है। और इस तरह से बंद करो। और ये अचानक रेसिपी बन रहा है, मुझे सुबह से लगा था कुछ पराठे वगैरह बनाऊंगी, सैटरडे होता है ना, तो आज सोचा मटर है, और मटर अगर वो विंटर के एंड के तरफ मटर हो जाए ना तो बदबू वाला मटर हो जाता है, ऑलमोस्ट विंटर खत्म होने वाला है, फिर भी अभी का मटर अच्छा है, तो खुशबू वाला मटर के साथ मटर के कचौड़ी। साल में एक बार ये खाना तो बनता है, मतलब सबके घर पे, काफी सारे घरों पे तो आए दिन बनता होगा, मेरे घर पे साल में एक बार ही बनता है। सॉरी आज ना यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि आज मूवी देख रही हूँ। मुझे हफ्ते में एक ही दिन टीवी या एंटरटेनमेंट का टाइम मिलता है, वो है सैटरडे। टीवी तो बंद है, वो बेचारा बंद ही पड़ा हुआ है, उसको खुद ही सोचता है टीवी नहीं देखता कोई। स्वीटी भी उधर खा रही है, स्वीटी हैरी पॉटर देख रही है आज। इसके साथ मैंने ना थोड़ा सा गुड़ लिया, देखो इसके साथ रसगुल्ला बहुत अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पे रसगुल्ला कौन लाने जाएगा अचानक से। मतलब इसके साथ एक मिठाई देखो, ये होता है मतलब थोड़ा दावत जैसा नहीं, स्पेशल डे का खाना। चाय के साथ बहुत अच्छा, चाय के साथ, नेक्स्ट डे चाय के साथ एक दो बच जाएगा, वो तो है ही। हाँ अभी भी वाला है, चाय के साथ क्या अच्छा नहीं लगता। और मैं अपना कचौड़ी एंजॉय करूँ, तब तक आप लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। कुछ दिनों पहले, मतलब स्वीटी का बर्थडे का एक दो दिन पहले, मैंने क्या क्या किया घर के कुछ चीजों के साथ, कुछ मैजिक किया है। तब तक वो मैजिक देख के फिर से आ जाओ, तब तक मैं ये एंजॉय कर लूँ आज बड़ा वाला मैजिक। 1 2 3 खाली हो गया। अभी खाली तो हो गया इस जगह को, लेकिन खाली तो नहीं रह सकता, मैत्री का घर कभी खाली नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैत्री के घर में जितना सामान है, मैत्री का आइडेंटिटी वही है, मुझे पसंद है ज्यादा सामान, सबका डिपेंड करता है, सबका नेचर अलग होता है। चलो इस जगह को भरते हैं पहले। 1 2 3 हो गया मैजिक, आप लोग सीख लो थोड़ा थोड़ा मैजिक। हाँ मंत्र अपने अंदाजे से बना लेना, खुद का मंत्र खुद बनाना, किसी और का मंत्र मत लेना, खुद का मंत्र बना के देखना घर का काम कितना इजी हो जाता है, सामान इधर से उधर, सोचो कैसे होता है, सोचो। आप लोग ना चिढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, पता नहीं ये कैमरे में किसी को सोच के शायद फनी भी लगेगा, ये क्या
मतलब मैत्री कैसे करके, मतलब कैसे मेरे साथ क्या ऐसे कनेक्शन, मैं तो सिर्फ मोबाइल पे देखती रहती हूँ या लैपटॉप में देखती हूँ, तो कैसे कनेक्शन कैसे बना, मतलब आप जो देख रहे हो आपको मैं कैसे चिढ़ा रही हूँ। लेकिन जब देखोगे आपका कनेक्शन होता है ना एक, वो मतलब शायद ही मैं कभी बता पाऊँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी वाला संडे, आज है संडे। संडे बहुत अच्छा लगता है, फील होता है सुबह में। और पौधे वगैरह तो इनको देखने, मैं मॉर्निंग पे आके जस्ट पौधे को देख रही थी, मतलब अच्छा लगता है। जैसे भी थोड़ा बहुत, जैसा मतलब इंडोर प्लांट ही है मेरा, फ्लावर तो नहीं है लेकिन देख के खुश हो जाते हैं। पता नहीं कब होगा ये लेमन ग्रास भी ऐसे ही है, देखते हैं कैसा होता है। और हाँ, आज तो एकदम सुबह सुबह, जैसे संडे थोड़ा लेजी लेजी फील होता है। नहीं, संडे सुबह सुबह एक काम कर लिए, तो दिखाना बनता है। ये है ना, सर के ऊपर तेल डाल दिया सुबह सुबह, जैसा कल देखा है ना स्वीटी का तेल चंपी हुआ, आज शांतनु का तेल चंपी हुआ, क्योंकि उसका संडे टाइम मिलता है। और एक दिन अगर तेल थोड़ा सा ना लगाओ, हर संडे नहीं होता है, पिछले संडे भी नहीं हुआ था, पिछले दो संडे नहीं हुआ था उसका तेल, तो तेल झड़ जाएगा ना, मतलब तेल झड़ जाएगा, नहीं बाल झड़ जाएगा, सॉरी। कल मेरा रात को क्या हुआ देखो, दिख रहा है यहाँ पे काला सा एक धब्बा, ये एक्चुअली पूरी मतलब देने के ही और तेल छिटक के आ गया। ये कितना होता है मेरा, देखो यहाँ पे भी एक हुआ था, ये देखो ये कढ़ाई पे लग गया था, ये हल्का हल्का अभी कलर मतलब फेड हो रहा है, ये अभी कोकोनट ऑयल उसमें लगा लगा के उसको अभी ठीक करना, अभी हमेशा लगाना भी भूल जाती हूँ। और सुबह में मैं लिस्ट लेके बैठी हूँ, अभी गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग पे उठ के मेरा मेडिसिन रहता है, उसके बाद थायराइड का जो मेडिसिन रहता है आयुर्वेदिक वाला वो लेती हूँ, उसके बाद मैं गर्म पानी मेरा पीने का, ये गर्म पानी पीना ज़रूर पीना, मैं पहले नहीं पीती थी, मेरा पापा हमेशा बोलते थे गर्म पानी पीना गर्म पानी पीना, है मैं बोलती थी, जैसा टीनेज टाइम पे होता है ना, अरे ये सब चीज़ें फालतू है। उसके बाद धीरे धीरे खुद का लाइफ अडॉप्ट किया, जो भी बोलते हैं ना ठीक ही बोलते हैं। कल हमने टॉयलेट मूवी देखा, अच्छा था ना, शांतनु को अच्छा लगा, शांतनु को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक हमारे सोशल इशू के ऊपर एक मूवी, किसी किसी फ्रेंड ने बोला था अच्छा नहीं है मूवी, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे जीरो मुझे किसी फ्रेंड ने पूछा था, जीरो मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार आजकल बहुत अच्छा टॉपिक, हाँ टॉपिक, जैसे एक पैड मैन, किसी ने अगर नहीं देखा है तो देखना जरूर, सोशल इशू के, हाँ कुछ चीजें थोड़ा बहुत तो देखो वो सिनेमेटिकली करना पड़ता है, हाँ, लेकिन टॉयलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइप का चीजें अभी भी हमारे देश में काफी सारे जगह पे होगा, अभी भी है, तो वो बदलना चाहिए। तो आज लिस्ट बनाना, कैंडल नहीं है, टी लाइट कैंडल होता है ना डिफ्यूजर देती हूँ वो नहीं है, और कपूर भी खत्म हो गया, वो भी लाना है, वो लिखना है, वही सारे। और कैसा लगा आप लोगों को मैजिक बताना जरूर, और अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय, एंजॉय। और आप सब ने सैटरडे संडे कैसे एंजॉय किए मेरे साथ जरूर शेयर करना। सैंटा क्लॉज हमें गिफ्ट देते हैं, हम उनको मैजिक से वैनिश करेंगे। संक्रांति भी खा लिया सैंटा क्लॉज ने, नहीं मकर संक्रांति का गुड़ पीठा, समथिंग समथिंग, मेरा ना एक बार कहने की हॉचपॉच क्यों हो जाता पता नहीं, तो सोच लो मतलब मकर संक्रांति का पीठा, उसके बाद तिल गुड़ ये सब खा लेते हैं, उसके बाद अभी इनको नॉर्थ पोल जाना है ना सांता क्लॉज को, और कितना दिन रहेगा,